मैं हूं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विद मिराकल। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th, 11th और 12th की साइंस और मैथ की तैयारी कराई जाती है बहुत बेहतर कंसेप्ट के साथ। तो पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था क्लास 10th के मैथ में, आपको सेक्शंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के माध्यम से हम आपके 7.2 जो चैप्टर है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, उसमें 2 क्वेश्चन का सेक्शन किया गया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आपको जो भी क्वेश्चन हो उसे हम स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और स्टडी करने से पहले अगर आपके पास बुक है 7.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को, तो आप बुक को सामने रख लेंगे, कॉपी पेन ले लेंगे। चूंकि मैं क्वेश्चन को राइट नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आंसर दूंगा, इसलिए क्वेश्चन को अगर राइट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 7.2 मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, जैसे आकृति आप देख लेंगे बुक से, पर अगर आप पढ़ लेंगे आकृति 7.12 में देख लेंगे। 7.2 एक्सरसाइज है, जब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें निहारिका नाम की एक लड़की है और एक आपको प्रीति नाम की लड़की है। तो एक निहारिका जो है दूसरी पंक्ति के एडी के 1/4, तो चूंकि टोटल एडी आपका कितना है, एडी टोटल आपका 100 है, तो 100 का 1/4 क्या हुआ, 25। और निहारिका के लिए निर्देशांक बिंदु बनेगा, क्योंकि किस पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से चल रही है, तो 2.25 दूसरी पंक्ति से चल रही है। और प्रीति जो है एडी के 1/5, एडी कितना है 100 का 1/5 कितना हुआ 20, और चूंकि ये कौन सी है, प्रीति 8वीं पंक्ति से चल रही है प्रीति के लिए, पृथ्वी कौन सी पंक्ति चल रही है 8वीं पंक्ति के लिए, हो गया 820। चूंकि निहारिका जो है दूसरी पंक्ति से एडी के 1/4, तो यह आपका एक्स एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, आप फिगर में देख लें। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों झंडे को लगाना चाहती है, तो लाल झंडा कहाँ पर लगाएंगी और दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी। दोनों झंडे के बीच की दूरी अगर हम इसको ए पॉइंट मानते हैं और इसको बी पॉइंट मानते हैं, ठीक है, ये आपका हरा झंडा है, मान लेते हैं एक हरा झंडा है और यह क्या है लाल झंडा है। ठीक है, हरा झंडा है और ये क्या है आपका लाल झंडा है। ठीक है, इसका पॉइंट है आपका 2.25, ऐसा पॉइंट कितना है 8.20, इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 कितना है, x2 आपका 8 है माइनस, और x1 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25, 8 में से 2 क्या 6 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर हो गया कितना 6, और 20 - 5 हो गया तो कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये हो गया 36, ये हो गया 25, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 यूनिट। ठीक है, ये आपका 61 यूनिट हो गया, दोनों झंडा हरा झंडा और लाल झंडा के बीच क्या हो गया डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इनको झंडे को, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर रखती है, तो इसे अपना झंडा कहाँ लगाना चाहिए। बहुत अच्छा,
एक तीसरी लड़की जो है रश्मि आ जाती है। कौन सी लड़की आती है? रश्मि। तीसरी लड़की रश्मि जो है आ जाती है और एक दूसरे कलर के झंडे को इन झंडे के बीचों बीच अगर लगाना चाहती है तो वह झंडे को कहाँ लगाएगी? तो ये रहा आपका ए बी, ये है आपका कौन सा झंडा है? ये आपका हरा है, ये आपका हरा झंडा है, ये आपका लाल झंडा है। हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना था? इसका कोऑर्डिनेट था 2.20, इसका क्या था? 8.25, नहीं यहाँ कितना था? 2.25, यहाँ क्या था? 8.20। अब रश्मि एक लड़की है, इन दोनों झंडे के बीच में एक झंडा लगाना चाहती है, जो कलर क्या है? नीला। क्या है? नीला कलर झंडों के ठीक आधी दूरी पर, ठीक आधी दूरी पर लगाना चाहती है, तो उसे अपना झंडा कहाँ लगाना चाहिए? अपना झंडा कहाँ लगाना चाहिए? तो आधी दूरी का मतलब क्या हुआ? बीचों बीच, यानी कि बीचों बीच में, ठीक है, बीचों बीच में लगाना चाहिए, यानी कि मध्य बिंदु में लगाएगी। मध्य बिंदु, यहाँ पे पी मान लेते हैं, ये पी आपका क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। मध्य बिंदु का होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1/2 और y1 + y2/2, ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 45/2, ये 5.25/2, यानी कि यह हो गया पांचवी पंक्ति के 22.5 मीटर दूरी पर लगाएगी, ठीक है, पांचवी पंक्ति पर 22.5 मीटर की दूरी पर लगाएगी, यानी यह हो जाएगा सिर्फ बीचों बीच में हो जाएगा, यही आपका हरा झंडा नीला झंडा लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप निकालेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ, आप फिगर से देखकर राइट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिंदु 3-3.10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1.6 किस अनुपात में विभाजित करता है? -1.6 किस अनुपात में, किस रेशियो में? तो एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पर दिया -3.10 और यहाँ पर दिया 6.-8, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यह कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट -1.6 है, तो ये M और N क्या होगा, किस अनुपात में, किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा? तो हमने देखा था, लिखेंगे P पॉइंट का एक्स निर्देशांक, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? x1 m x2 + n x1 / m + n, यही है। आप किसी से निकाल सकते हैं, या तो एक्स कोऑर्डिनेट से निकाले या वाई कोऑर्डिनेट से निकाले। एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो हो गया -1, एम नहीं पता, एक्स टू पता है 6 है, एन नहीं पता, एक्स वन पता है -3/m + n, या आप इसको एक्स से कंपेरिजन करें या वाई से करें। ये हो गया -1, ये हो गया 6m, ये हो गया 3m, ये हो गया आपका m + n, क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा -m - m = 6m - 3m, ठीक है। अब इसको एक तरफ करेंगे, एक साइड में -m, यह प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया -3m, ये भी माइनस में तक आ गया प्लस, और माइनस माइनस प्लस तो -7m, और ये भी हो गया -2m, क्लियर। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कर देगा कैंसिल,
अब हमको लिखना है m by n, m by n क्या देगा 2 by 7 यानी 2 रेशियो 7, यानी कि m बराबर 2 आ गया, n बराबर 7 आ गया। इस तरह आप रेशियो निकाल सकते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। इसलिए या तो x से निकालें या तो y से निकालें, आंसर आपका 2:7 ही आएगा। m बराबर 2 आ गया, n बराबर 7, इसको x से इक्वल करें या y से इक्वल, ये 6 यहाँ पर 6 रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा m y 2 n y 1 बटा m plus n, ठीक है। अगर 6 को यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर y 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा y 1, फिर पुट करेंगे यही आंसर आएगा, ठीक है। तो किसी से आप पुट कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1, -5, ए 1, -5, ठीक है, और बी -4, 5, बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है, क्योंकि यहां पर पी है, एक्स एक्सिस से डिवाइड तो वाई क्या हो जाएगा 0, एक्स एक्सिस से जब भी डिवाइड होगा तो एक्स रहेगा, वाई क्या हो जाएगा 0। अगर वही कहता तो वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो वाई एक्सिस से जब कहेगा तो वाई रहेगा, एक्स क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें, क्लियर। चलिए अब हम यहां पर लिखेंगे पी पॉइंट किया, पी बिंदु का वाई निर्देशांक, फॉर्मूला क्या होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टा एम प्लस एन। यहां पर पी पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, 0 हो गया, एम वाई टू एम नहीं पता, ठीक है, यह एम एन है नहीं पता, यहाँ पर क्या है 5 + n नहीं पता, वाई वन -5/m + n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 0 = 5m - 5n, यहाँ पर हो जाएगा 5m = 5n, और m बाई एन करेंगे तो 5/5 आएगा, 1:1 हो जाएगा, m = 1 n = 1, क्लियर। m = 1 आया, n = 1 आया। अब इस रेशियो में डिवाइड हो गया, अब कह रहा है कि डिवाइड करने वाले का कोऑर्डिनेट भी पता करना है, डिवाइड करने वाले का कोऑर्डिनेट भी पता करना है। तो अब हमको x बराबर निकालना होगा, फॉर्मूला क्या है mx2 n x1 बटा m प्लस n, x निकालना है तो m तो हो गया 1 × x2 - 4 + n × x1 / m + n, यहाँ पर -4 + 1/2, -4 + 1/2 हो गया -3/2, इसलिए विभाजन करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा P, यहाँ पे x कितना है -3/2, 0, क्लियर। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, जब x एक्सिस से कहेगा तो x रहेगा, y 0 हो जाएगा, और वहीं जब y एक्सिस से डिवाइड करने को कहेगा तो y रहेगा, x क्या हो जाएगा 0। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 5 क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर देंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे।